हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल स्टडी पेपर 4 का पार्ट 3 अभिवृत्ति, जो हम कर रहे थे एटीट्यूड। हम लोग मेंस का पेपर तैयार कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 4 दोनों को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार हम लोग को मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एटीट्यूड कर रहे थे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आप लोग पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इन सब चीज़ों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। मैं ये जो भी अभिवृत्ति एटीट्यूड करा रही हूँ आपको विद एग्जांपल बता रही हूँ जो कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हों। इसको सिर्फ आपको पॉइंट्स को देखना है, समझना है और आंसर राइटिंग अपने ही शब्दों में करनी है। कोई भी बुकिश लैंग्वेज या फिर रटी रटाई लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से करंट से लेकर आना है, इसी में ही मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आंसर राइटिंग सबको करनी आती है, सब कर लेते हैं, लेकिन जो यूनिक लिखता है, जो अपने शब्दों में लिखता है, मार्क्स उसी को मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आपका आज का पार्ट 3 एटीट्यूड का। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अभिवृत्ति, जो इसका हमारे पास सिलेबस है ये मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे अभिवृत्ति में, और उसके बाद हमने इसकी परिभाषा की थी। तो परिभाषा आप एक बार देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस में। इसके बाद हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, 7 विशेषताएं इसकी पढ़ी थी। इस पर आपने आंसर राइटिंग भी की होगी। नेक्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं मनोवृत्ति की संरचना। संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक तीनों से मिलकर मनोवृत्ति की रचना होती है। नेक्स्ट हमने इसी संरचना के आधारभूत निष्कर्ष निकाले थे। इस पर भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, समझाया था, तो इसको वीडियोस में आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, आनुवांशिक कारक और सामाजिक और व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। आनुवांशिक कारण के मैंने ये 4 एग्जाम्पल दिए थे। और व्यक्तिगत कारक जो होते हैं इसमें आवश्यकता पूर्ति, प्राप्त सूचनाएं, सांस्कृतिक कारक, व्यक्तिगत भिन्नता, समूह संबंधन। नेक्स्ट हमने किया, आज हम करेंगे जो आज का हमारा विषय होगा, मनोवृत्ति के कार्य क्या होते हैं और मनोवृत्ति की हानियां क्या क्या हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनोवृत्ति के कार्य, अन्विती योजना सबसे पहला कार्य है। इसका मतलब होता है, ये टर्म्स ऐसी हैं, आपको टर्म्स तो एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप जो इसका अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ये अपने शब्दों में लिखेंगे और एग्जांपल ज़रूर देंगे। एथिक्स पेपर 4 में सिर्फ एग्जांपल की ही भूमिका सबसे अधिक होती है, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो। आप जितना अच्छा और जितने सटीक एग्जांपल दे पाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अन्विती योजना सबसे पहला पॉइंट इसमें, जैसे कि समाज मनोवृत्तियाँ जो होती हैं वो सामाजिक जगत को समझने और उसका अर्थ निर्धारण करने में, मतलब जो हमारे समाज में आसपास चल रहा है उसको समझने में मनोवृत्तियाँ हमारा मतलब कि मदद करती हैं। जैसे कि आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समाज के लिए सही है, इन सब चीज़ों को मनोवृत्तियाँ ही समझाती हैं। इसका मतलब कि सकारात्मक मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं, किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक नज़रिया। तो समाज में होने वाली कोई भी चीज़ जो जिसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक नज़रिया हो, वही मनोवृत्ति समझने में हमारी मदद करती है, तो उसी को हम अन्विती योजना कहते हैं। नेक्स्ट है अनावश्यक सूचनाओं से बचाओ या अवांछित सूचनाओं से बचाओ। इसका क्या मतलब होता है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो वस्तु या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की होती है, मनोवृत्तियाँ सिर्फ उसी को ग्रहण करती हैं, जो काम की नहीं होती उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यही मनोवृत्ति का कार्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग IS PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो IS PCS के फॉर्म कब निकले,
रिजल्ट कब आएगा, आप इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरह इसी में आप अगर SSC के फॉर्म नहीं भर रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या आर्मी के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके फॉर्म और उनके रिजल्ट का कोई केयर नहीं करेंगे। कभी भी रिजल्ट आए, कभी भी फॉर्म निकले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मनोवृत्ति अनावश्यक सूचना जो आपके काम की सूचनाएँ हैं सिर्फ उसी पर ध्यान देती है, जो आपकी काम की सूचनाएँ नहीं हैं उसको आपके दिमाग से बिल्कुल हटा देती हैं। तो ये इसका मेन कार्य होता है। इसी में एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने जाना है, तो ये कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है। अब आप उत्तराखंड में यहाँ किस से जाएंगे, यहाँ पर ट्रेन से जाएंगे, जीप से जाएंगे, बस से, व्हाटएवर जो भी व्हीकल होगा, आप कैसे जाएंगे, कहाँ पर है, कितनी दूरी है, वहाँ पे रहने का क्या क्या ठिकाना है, और वहाँ और क्या चीज़ें हम घूम सकते हैं, वहाँ के बारे में आप जानकारी एकत्रित करेंगे, तो उस समय वो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगी, तो वो मनोवृत्ति आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगी। तो आप अगर आपको जाना है जिम कॉर्बेट, तो आप कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में नहीं पता करेंगे, तो वो आपके लिए अनावश्यक सूचना हो जाएगी। तो ये इसमें कुछ और एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कमेंट में मुझे एक आध एग्जाम्पल ज़रूर बताइएगा। थर्ड पॉइंट करते हैं, आत्म अभिव्यक्ति का कार्य, मतलब ये जो मनोवृत्ति है ये अपने आप को व्यक्त करने का भी कार्य करवाती है। मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कुछ पर्सन होते हैं जिनको कहीं पे भी टाइम पे पहुँचना बहुत पसंद होता है, अगर कहीं 10 बजे का टाइम दिया हुआ है तो उन्हें 10 बजे ही पहुँचना होता है। कुछ पर्सन होते हैं कहते हैं यार 5-10 मिनट तो लेट चलता है, चल 10 बजे का है तो हम 10:15 या 10:30 पहुँच जाएंगे। कुछ पर्सन होते हैं कि वो सोचते हैं अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो हम 9:45 ही पहुंच जाते हैं, टाइम से पहले पहुंचना चाहिए कहीं। तो ये सबकी अलग अलग मनोवृत्ति होती है। तो यही आत्म अभिव्यक्ति, जो मन में उनके चल रहा होता है वही अभिव्यक्त करने का कार्य मनोवृत्ति करती है। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति। इसके अंदर आता है जैसे कि हम लोग जब बचपन से ही समाज में ही रहते हैं, समाज में ही पलते बढ़ते हैं, और जो भी हमारी मनोवृत्तियों का निर्माण होता है वो समाज में ही होता है। तो अगर हमारे समाज की कुछ अच्छी चीज़ें हम अपनाते हैं या कुछ समाज के प्रति चिंता करते हैं तो वो भी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु जो होती है, दया मृत्यु, इस पर कुछ लोगों की राय डिफरेंट होगी, कुछ लोगों की राय डिफरेंट होगी। कुछ लोग कहेंगे कि दया मृत्यु दे देनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं इसे नहीं देना चाहिए। तो ये सामाजिक चिंताओं को भी अभिव्यक्त करती है, अकॉर्डिंग टू पर्सन डिफर करता है। इसमें समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही जैसे वृद्धाश्रम की में जाके लोगों की मदद करना, अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेना, इन सब कार्यों में भी मनोवृत्ति ही बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। जो लोग समाज के प्रति ज़्यादा ही जागरूक होते हैं, ज़्यादा ही चिंता करते हैं, वो लोग उन लोगों में, और नॉर्मल पीपल भी समाज के प्रति चिंताओं में मनोवृत्ति ही उसकी मदद करती है। अहं रक्षात प्रकार्य, ये टर्म थोड़ी सी अजीब लग रही है लेकिन है बहुत सिंपल। जैसे कि हमारी मनोवृत्तियाँ जो है समाज की नज़र में हमारा ही सम्मान बढ़ाती हैं। जो कार्य समाज मतलब कि कह देता है कि हाँ ये सही है, तो हम वैसे ही कार्य करने लगते हैं। जैसे कि जिस विषय पर समाज में सहमति होती है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, विवाह प्रथा है, तो विवाह में समाज में सहमति है, तो जो लोग शादी करके एक साथ रहते हैं उनमें समाज में सहमति, समाज उन्हें सहमति देता है, तो वो लोग इस काम को करने में कोई भी शर्म नहीं करते, कोई भी मतलब परहेज नहीं करते विवाह करने में। इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, भारतीय समाज अभी, तो लोग इसको करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, थोड़ा साथ लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहना चाहते हैं। तो ये अहम की रक्षा करने का कार्य भी मनोवृत्ति ही करती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पर्सन आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तो आप ये सोच लेंगे, आप अपने आप को ही समझा लेंगे कि मैं भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं तो ऐसे ही बस ट्राई कर रहा था, ये होता है अपने अंदर से ही। तो ये अहम की रक्षा भी करती है मनोवृत्ति, अपने आप को ही समझाने का कार्य करती है। क्रियाओं का चयन, ये तो बहुत ही इजी है,
क्योंकि संज्ञान से भाव होते हैं, भाव से ही व्यवहार होते हैं, जो इसके तीनों पक्ष थे। तो क्रियाओं के चयन में मनोवृत्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि जिस परिवार में हम, जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कहीं पे माता पिता सिखाते हैं कि कोई भी बड़ा आ जाए तो उनके पैर छू के उनका अभिवादन करना चाहिए, किसी फैमिली में सिखाते हैं कि उनका नमस्ते करके अभिवादन करना चाहिए, और किसी फैमिली में सिखाते हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल आके बैठो, इस टाइप से हमें अभिवादन करना चाहिए या इस टाइप से चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ये क्रियाओं के चयन में मनोवृत्ति, जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी वैसा ही काम हम करेंगे, जैसे हमारे को चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसा हम बचपन से देखते सुनते आएंगे, हम वैसा ही कार्य करेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, क्रियाओं के चयन में आसानी होती है मनोवृत्ति के द्वारा। तो ये हमारे पास 6 कार्य हैं जो मनोवृत्ति के हैं। तो आशा आपको ये चीज़ 6 कार्य बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मनोवृत्ति की क्या हानियाँ होती हैं। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से मनोवृत्ति की मीनिंग समझ गए होंगे तो ये समझ चुके होंगे कि किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक नजरिया ही मनोवृत्ति कहलाती है। इसी में पहली नंबर वन हानि है, रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। ये रूढ़िवाद को बढ़ावा कैसे देता है मैं बताती हूँ। जैसे कि भारतीय समाज में एक प्रथा है कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंस किया जाता है, भारतीय समाज में आज भी हर जगह होता है, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस किया जाता है। मैंने GS पेपर 1 में भी आपको महिलाओं के संबंध में जो करवाया था उसमें भी काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे इस संबंध में, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें रूढ़िवाद को बढ़ावा, आज भी पुराने लोग जो हैं आज भी लिंग परीक्षण करवाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं। तो ये अभी तक काफ़ी चीज़ों में नहीं बदलाव आया है, यूथ तो चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी मनोवृत्तियाँ ही ऐसी बन गई हैं कि लड़के घर में रहेंगे, लड़कियाँ चली जाएंगी शादी करके, तो फिर कौन खाना पानी देगा, इस हिसाब से हमारी मनोवृत्ति ही बन चुकी है। तो ये रूढ़िवाद को बढ़ावा देता है। इसी में एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बहुएं जो होंगी उनको नौकरी करवाना पसंद नहीं है लोगों को, और पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी रूढ़िवादिता बन गई है कि बहुओं को नौकरी नहीं करवाना है और बेटियों को करवाना है। तो ये चीज़ें, मतलब रूढ़िवाद बिल्कुल इसमें मनोवृत्ति जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी परंपराएं उसी के अकॉर्डिंग ढलती जाती है, रूढ़िवाद बनता जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, दृष्टिकोण तटस्थ नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है? इसमें मतलब होता है कि हम अपनी मनोवृत्तियों के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगते हैं। एक सिविल सर्वेंट को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें हम वंचित वर्ग को कोई भी अगर लाभ मिल रहा है, कोई भी योजना चल रही है जो वंचित वर्ग के लिए है, तो उसमें सिविल सर्वेंट की मनोवृत्ति तटस्थ नहीं होगी तो फिर वो भाई भतीजावाद करेगा, मतलब कि जो भी लाभ होगा अपने ही लोगों को देगा और जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक नहीं पहुंचने देगा। तो मनोवृत्ति के कारण एक नज़रिया बन जाता है कि हमें इस ये वर्ग हीन है या फिर इन वर्गों तक मदद नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी हानि कह सकते हैं हम इसके लिए। लचीलापन कम होता है मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए। मींस जैसे मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा है वो साउथ इंडिया में जाके जॉब करने लगता है। अब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर आपको पता है कि खाने में रोटियाँ खाई जाती हैं और साउथ इंडिया में ज़्यादातर चावल प्रेफर किया जाता है खाने में। अब उसकी मनोवृत्तियाँ रोटी खाने की बन चुकी है, अब उसे चावल खाने को मिलेगा तो वो ना चेंज करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो थोड़ा सा उसके अंदर लचीलापन कम होगा। तो ये सिर्फ मनोवृत्ति के कारण होता है कि हम अपने आप को जैसा ढाल लेते हैं फिर हम उसे चेंज करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है वंचित वर्ग का शोषण। ये तो एग्जाम्पल नंबर जो इसका पॉइंट नंबर 2 है ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा इसमें बस लैंग्वेज में चेंज है, इसको लिखना आपको थोड़ा सा चेंज करके है। जैसे कि इसमें समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान मनोवृत्ति का वंचित वर्गों को झेलना पड़ता है। एक तो वो पहले से ही वंचित होते हैं, साथ ही शोषक वर्ग जो शोषण करता है उसकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है, वो अपने विचारों और व्यवहारों को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते लोगों के।
दलितों, महिलाओं, अश्वेतों, विकलांगों और अल्पसंख्यक के जो वंचित वर्ग होते हैं, इनकी शोषण की बड़ी वजह यही है कि प्रभुत्वशाली जो समूह होते हैं वो उनके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, वो उनको बढ़ने ही नहीं दे सकते। उनकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो पैदा ही झुकने के लिए हुए हैं तो वो नीचे ही रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह उनका शोषण होता रहता है क्योंकि उनकी मनोवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो ये चार हानियाँ होती हैं मनोवृत्तियों की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मनोवृत्ति व व्यवहार में संबंध क्या होता है और मनोवृत्ति और विचार में क्या संबंध होता है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग यही, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग हमारे साथ बस यही कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, जहाँ नहीं समझ में आ रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।